अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुड़वैद बवासीर भगंदर, पहले दिन से ही आराम, सबसे सस्ता सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार, आज ही संपर्क करें। सीनियर मोस्ट लीडर जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी के आडम मास्टर साहब ने आज दोपहर को कुछ गाइड दी है पत्रकारों को, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को MIM को शायद मनसे का भी नाम लिए हुए हैं, इन लोगों को वोट ना करें क्योंकि ये पार्टियाँ सेक्युलर पार्टीज नहीं है और ये जातिवादी पार्टी है। तो मैं उनसे बोलना बड़े आदर के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सारे लोग सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो कम से कम आप भी इसमें शरीक ना हो, आप भी अपना नाम इसमें रजिस्टर ना करें, क्योंकि जनता बखूबी जानती है कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। इतना ही आप जो जिस महाविकास आघाड़ी को साथ में लाकर भाजपा को या MIM को दूर रखने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि आज जिस कांग्रेस ने और जिस NCP ने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लिए लोगों से और आज जाकर सत्ता में शिवसेना के साथ बैठे हैं, ये वही शिवसेना है जिसने 2019 के विधानसभा इलेक्शंस में अलायंस करके इलेक्शन लड़ा, जिसको BJP का भी वोट मिला होगा इस शिवसेना को, आज ये लोग साथ में बैठे हैं, तो आप कैसे इनको सेक्युलर बोल सकते हैं? 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भी ये लोग साथ में थे, तो थोड़ा सा मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है मास्टर को कि अभ्यास करना चाहिए, इज वेरी बहुत सीनियर है वो, लेकिन ऐसी बातें करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि अगर ऐसे आदमी के मुंह से ऐसे शब्द आते हैं जिसको लोग मतलब वो हो जाए। मैं तो मास्टर को ये भी बोलना चाहूँगा कि किसी ज़माने में कुछ साल पहले लोकसभा इलेक्शन के टाइम मेरे ख्याल से आप खुद ने भी हमारे जो पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी उनका स्टेज शेयर किए थे और वो स्टेज से आपने काफ़ी कसीदे पढ़े थे प्रधानमंत्री के लिए, तो लोगों को वो भी पता है। तो प्लीज़ अपने अपने कामों के बलबूते पर आपने जो लोगों को घर देने का दावा करते हैं उस दावे के साथ आप लोगों के बीच में जाइए और वोट मांगिए। अभी ये जातीय राजकारण बहुत हो गया है, लोग बहुत जागरूक हैं और लोगों को सब पता है किस पार्टी के साथ जाना है, किसको वोट करना है, किसको जिताना है। आप अपनी जो ताकत कम हुई है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर आप काम कीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करें। मैं फिर से मास्टर को एंड में ये बोलना चाहूँगा, अगर मेरी बातों से अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत जूनियर हूँ आपके सामने, आप बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो प्लीज़ आगे थोड़ा सा और अभ्यास करके स्टेटमेंट दीजिएगा सकता है, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। 2019 का अगर विधानसभा इलेक्शन आप उठा के देखेंगे तो मास्टर अपनी जमानत बचाने में भी असफल रहे हैं। अगर इतना बड़ा वोटों का सैलाब उनके पीछे होता, अगर इतने लोग उनके पीछे होते तो आज हमारे यहाँ के अंदर शायद मास्टर भी हो सकते थे, बट मुसलसल लास्ट टाइम भी मास्टर अपनी जमानत बचाने में फेल हो चुके हैं। तो फिर से मैं बोलूँगा कि एक बार रिजल्ट्स भी उठा के फैक्ट्स देख लेते हैं बात करें।